सो गाइज, अगर आपके केस में भी SSL सर्टिफिकेट का एरर देखने को मिलता है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आप जो भी वेबसाइट वगैरह को आप जब विजिट करते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे SSL सर्टिफिकेट वाला एरर देखने को मिल जा रहा है। तो इस केस में आप क्या क्या स्टेप फॉलो कर सकते हो, ये जो मैं मेथड बताऊँगा वन बाई वन ट्राई करना, डेफिनेटली 101% गारंटी देता हूँ कि आपके जो एरर्स हैं SSL सर्टिफिकेट वाले वो फिक्स हो जाने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है गाइज, सबसे पहले तो आपको सिंपली सी आपको सर्च करना है और ओपन कर लेना है ये वाला ऑप्शन, इंटरनेट ऑप्शंस। ये जो आप देख रहे हो इंटरनेट ऑप्शंस को ओपन कर लेना है। ये आप एक्सेस और भी मेथड्स से कर सकते हो, आप कंट्रोल पैनल ओपन करके वहाँ पे इंटरनेट ऑप्शंस का ऑप्शन होगा वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट सर्च करो इंटरनेट ऑप्शंस, आपको ये मिल जाने वाला है। ये जो आप देख रहे हो इंटरनेट ऑप्शंस, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं गाइस। सिंपली सी आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो सिक्योरिटी का जो ऑप्शन है, सिक्योरिटी के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। सिक्योरिटी वाला टैब पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो उसके देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप मेक श्योर करना कि ये जो आप देख रहे हो ये आपके केस में मीडियम में हो, ना ही हाई में हो ना ही मीडियम में हो, मीडियम हाई ये बीच वाला जो होता है ना ये होना चाहिए, देख रहे हो। और एक्चुअली ये क्या है कि बहुत सारे वेबसाइट को ये अलाउ कर देता है, अगर आप ये कर दोगे आप डायरेक्ट ही ये कर दोगे सिक्योरिटी लेवल हाई तो बहुत सारे वेबसाइट को ये ब्लॉक कर देगा। तो आप क्या करना, अगर आप मीडियम कर दोगे तो क्रोम बिफोर डाउनलोडिंग, मतलब कुछ भी अगर आप डाउनलोड करोगे ना तो सबसे पहले ये बोलेगा कि यार ये आपको डाउनलोड करने या नहीं करेंगे, प्रॉम्प्ट आएगा मतलब कि आपसे आस्क करेगा ये डाउनलोड करना चाहिए, ये सब मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तो आपको मेक श्योर करना कि बीच में हो, मीडियम हाई में हो, इतना होना चाहिए। उसके फिर अगर कोई स्पेशल कोई वेबसाइट्स है जो कि आपके बंद हो जा रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करना, ट्रस्टेड साइट्स पे जाना। ट्रस्टेड साइट्स पे जाने के बाद फिर सिंपल सा आप क्या करना, ट्रस्टेड साइट्स पे जाने के बाद सिंपल सा साइट्स के ऑप्शन पे चले आना और यहाँ पे उस वेबसाइट्स का नाम लिख देना जो वेबसाइट्स की स्पेशल वही वेबसाइट्स बंद हो जा रहे हैं। लाइक सपोज मेरे केस में youtube.com है तो मैं इस तरह दूंगा https://www.youtube.com youtube.com, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे .com आगे हो जा रहा है तो एक्चुअली मैं यहाँ पे youtube.com जो देख रहा हूँ, हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, www.youtube.com कुछ इस तरह से होना चाहिए। उसके पे सिंपली से आप इसको ऐड कर दो, ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसके पे सिंपल सा आप इसे क्लोज कर दो। अब क्या है कि जब भी आप youtube.com पे जाओगे तो उस या फिर जो भी आपने वेबसाइट डाल रखे हैं यहाँ पे ट्रस्टेड में, उस वेबसाइट पे जाने के बाद फिर आपका ये जो SSL सर्टिफिकेट का इशूज है वो नहीं होने वाला, मतलब फिक्स हो जाने वाला। तो इतना करना है, और भी मेथड्स हैं। इतना करने के बाद फिर तब भी अगर आपके ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो आप क्या करना गाइस, सिंपल सा आप जो है कंटेंट पे क्लिक करना, देख रहे हो आप कंटेंट पे क्लिक करना और क्लियर SSL स्टेट जो देख रहे हो इसको मस्ट करना, इसे क्लियर कर लेना सिंपली। SSL स्केच वायर सक्सेसफुली क्लियर ये कर लेना। उसके बाद फिर सिंपल सा एडवांस के ऑप्शन पे आना है। एडवांस के ऑप्शन पे आने के बाद फिर गाइज यहाँ पे देखो अनचेक करने हैं, कुछ सेटिंग्स हैं जो कि आपको अनचेक करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको चेक फॉर पब्लिशर ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा कहीं पे चेक, हाँ तो यार देख लो यहाँ पे चेक फॉर पब्लिशर सर्टिफिकेट रिवोकेशन इसे अनचेक करना है। उसके फिर चेक फॉर सर्वर सर्टिफिकेट रिवोकेशन इसे अनचेक करना है। उसके फिर ये दोनों को अनचेक करना था, चेक फॉर पब्लिशर सर्टिफिकेट रिवोकेशन, चेक फॉर सर्वर सर्टिफिकेट रिवोकेशन इसे अनचेक करना था। इसे अनचेक करने के बाद सिंपल सा अप्लाई पे क्लिक करना है और सिंपल सा अप्लाई पे क्लिक करने के बाद फिर सिंपल सा आपको क्या करना है गाइस, ओके पे क्लिक कर लेना है। इतना आपको करना था और आपको देखना है कि अगर अभी भी आपके सिस्टम में इस टाइप के एरर्स SSL सर्टिफिकेट वाले एरर्स देखने को मिल जा रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको टाइम जो है आपको अपने टाइम जोन को सिलेक्ट करना है, मतलब टाइम जोन आपके जो है उसको सही करना है। टाइम जोन सही करने के लिए आपको सिंपल सा तरीका होता है, बहुत ही ईजिली आप अपने सिस्टम के टाइम को ऑटोमेटिकली पे सेट करके रखना जिससे कि ये जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं ये आगे चल के नहीं आने वाले हैं। लाइक यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो मेरे को टाइम एंड लैंग्वेज ये जो ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है सिंपल सा इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद फिर ये जो आप देख रहे हो गाइस सेट टाइम ऑटोमेटिकली, देख रहे हो ये होने चाहिए आपके केस में। इतना करने के बाद फिर सिंपल सा आप सिंक नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना और ये ऑटोमेटिकली ही ये जो टाइम जो आपके लोकल जो टाइम जोन है उससे सिंक हो जाएगा और ये होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। इतना करना है। एक और मेथड आपको ट्राई करना है, मतलब एक और चीज़ आपको करना है जिससे कि तो
100% सही हो ही जाने वाला है। तो आप सिंपल सा आप क्या करना, सबसे पहले तो आपको ओपन कर लेना है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम जैसे ओपन करोगे उसके थ्री डॉट का ऑप्शन जो दिख रहा है, सिंपल थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर सिंपल सा गाइस सेटिंग्स का ऑप्शन जो देख रहे हो आप, सेटिंग्स के ऑप्शन पर जाना है। सेटिंग्स के ऑप्शन जाने के बाद फिर सिंपल सा आप अबाउट क्रोम के ऑप्शन पर जाना और यहाँ पर चेकिंग फॉर अपडेट, और आप इसे अपडेट कर देना अपने गूगल क्रोम को। मेरे केस में ये पूरी तरह से अपडेट है, आप भी अपने गूगल क्रोम को अपडेट कर लेना। इतना करने के बाद 100% गाइस आपके जो प्रॉब्लम्स जो थे वो फिक्स हो जाने वाला है। ये सारे स्टेप्स जब आप फॉलो कर लोगे उसके बाद फिर आपको सिंपल सा आपको अपने सिस्टम्स को क्या करना है, रीस्टार्ट करना है। सिंपल सा सिस्टम को रीस्टार्ट करोगे और जैसे सिस्टम को रीस्टार्ट करोगे उसके बाद फिर आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करने के बाद फिर थोड़ा सा मतलब ओपन करके देखना आपके ये जो प्रॉब्लम्स है ये फिक्स हो ही गए होंगे और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और अगर और भी किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियोस को लाइक करना, चैनल पर नए हो पहली बार विजिट कर रहे हो तो फिर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोज़।